विचारधारा से होते हैं जो वामपंथी पॉलिटिकल पार्टी या पुलित ब्यूरो में शामिल होता है, उसकी मजबूरी होती है कि वो सनातनी आखेट करे। जब तक सनातनी आखेट नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वामपंथी वाला चुलवा उड़ कर आया है। तो ऐसी बातें वामपंथियों को करनी पड़ती। मैं कई ऐसे वामपंथियों को पर्सनली जानता हूँ जिन्हें राम मंदिर सनातन धर्म में उनकी आस्था है, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर जो लोग हैं उनके नाम में सीता राम येचुरी भी होता है, नाम में सीता भी है राम भी है, लेकिन राम को मानते नहीं है ना। बड़ी बड़ी बिंदी भी लगाती हैं और फिर कहती हैं कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगी। उन्हें राम मंदिर में आस्था है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो सनातनी हिंदू है उनके राम जो आ रहे हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन ये राम मंदिर के नाम पर जो पॉलिटिकल वोट बैंक बटोरने की जो नरेंद्र मोदी सरकार जो गुस्ताखी कर रही है वो पॉलिटिकल है, वो राजनीतिक है, वो नहीं जाएंगे। नमस्कार, जय सियाराम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस जनमानस समाचार के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि 24 जनवरी 2024 को राम मंदिर का जो पट है वो खुलने वाला है। मैं ये हर दिन आता हूँ तो आपको इस बारे में ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि आजकल मेरा हर जो एपिसोड है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर पर केंद्रित ही नज़र आता है। तो मेरा आज चर्चा करने का हेतु ये है कि हमारे देश में एक वर्ग है जो कहता है कि वो नास्तिक है, एथिस्ट है, मगर उसकी नास्तिकता की बातें आती हैं जब वो कहता है कि वो नास्तिक है, वो किसी धर्म में किसी परंपरा में उसका कोई विश्वास नहीं है, किसी धर्म से उसका कोई लगाव नहीं है, वो आस्तिक है ही नहीं, खासकर धर्म के मामले में वो नास्तिक है। इन्हीं नास्तिक बातों की हम बात करें, इन्हीं नास्तिक चरित्र की हम चर्चा करें, तो इन नास्तिक में इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नास्तिक है वो है कम्युनिस्ट, यानी कि वामपंथी। ये वामपंथी ये सज्जन हैं, वो दुर्जन हैं, उन्हें खाली जो नफरतें होती हैं बेशुमार वो सिर्फ सनातन धर्म सनातन परंपरा में ही नज़र आती हैं। इन्हें जो ड्रॉबैक है, जो बैकवर्डनेस है, जो पिछड़ापन है, ऊंच और नीच की कहानी है, ऊंच जात नीचा जात कास्टिज्म फलाना ब्राह्मणवाद जातिवाद शूद्र, सारी कहानियों का रंग रोगन जो है, सारी कहानियों का चरित्र है वो सिर्फ इन्हें सनातन धर्म में नज़र आता है। मजाल हो या किसी और धर्म के ऊंच नीच की बातें, उस धर्म में हो रही कट्टरता की बातें, उस फलाना धर्म में हो रही जो नस्लवाद की बातें, उस फलाने धर्म में धर्म के नाम पर हो रही हत्या के मामले में एक बयानबाजी कर दे, ना 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 ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि जानते हैं फलाना धर्म में एक ही कहावत है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा सरतन से जुदा। वो सिर्फ सनातन धर्म पर ही अपनी टीका टिप्पणी और अपनी भावनाओं का उद्गार और प्रचार करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सनातनी है वो आलोचना देकर, सोशल मीडिया में बोलकर, मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, ट्वीट करके, फेसबुक में पोस्ट करके, अखबारों में लिख के, टीवी पे बोल के वो अपने विचारों का आदान प्रदान कर देंगे। और कुछ लोग बैठेंगे, वो कहेंगे हम कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं, कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करके हो जाएगा। तो इसलिए उन्हें सनातन धर्म पर आखेट करना, तलवार चलाना आसान होता है। हम बात करें चाहे वो न्यूज बास्केट हो, न्यूज लॉन्ड्री हो, न्यूज लायर हो, न्यूज वायर हो, द प्रिंट हो, द ग्लोबल हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, आप सभी के कॉलम उठाकर देख लीजिए। हाँ, राम मंदिर की स्थापना को लेकर बातें तो कर ही रहे हैं और कह रहे हैं इस देश की अर्थव्यवस्था रसातल से उतर गई, इस देश की अर्थव्यवस्था अब वो पहले वाली बात नहीं रही, ये देश फलाना कर्जों की कहानी में इतना ज़्यादा दफन होता चला गया है, इस देश में इतने लोग आज भी हैं जो भूखे पेट सोते हैं, जिन्हें खाने को नसीब नहीं होता है, दो जून की रोटी तक नहीं मिल पाती है, उस देश में आलिशान राम मंदिर बनाया जा रहा है, मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है,
लेकिन इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि इस देश में कई परिवार ऐसे हैं जो भूखे पेट सोते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, तो तमाम तरह की बातें बोली जा रही हैं। ये वही है लेफ्ट लिबरल सेकुलर लिब्रांडू द वायर द लायर, वही होते सस्ती शेरवानी हो गई, फिर वही हो गया धान गेहूँ पत्रकार हो गया, वही पेट पे लात खाया पत्रकार हो गया, फिर वही तमाम तरह के लोग हैं, फिर गुहा हो गया, फिर तमाम तरह के लोग हो गए वो सेकुलर लिब्रांडू लोग हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब वामपंथी की बात, इन वामपंथियों में इनके घर में जाइएगा, आप किसी वामपंथी के घर में जाइएगा देखिएगा, सारे वामपंथी नहीं होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं कुछ वामपंथी होते हैं। इनके घर में राम की भी पूजा होती है, कृष्ण की भी पूजा होती है, सबकी पूजा होती है, माँ दुर्गा की भी पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। लेकिन ये वामपंथी ऐसी विचारधारा से होते हैं, जो वामपंथी पॉलिटिकल पार्टी या पुलिस ब्यूरो में शामिल होता है उसकी मजबूरी होती है कि वो सनातनी आखेट करे, जब तक सनातनी आखेट नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि वामपंथी वाला चुलवा ओढ़ कर आया है। तो ऐसी बातें वामपंथियों को करनी पड़ती, मैं कई ऐसे वामपंथियों को पर्सनली जानता हूँ जिन्हें राम मंदिर सनातन धर्म में उनकी आस्था है, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर जो लोग हैं उनके नाम में सीता राम येचुरी भी होता है, नाम में सीता भी है राम भी है, लेकिन राम को मानते नहीं है ना, बड़ी बड़ी बिंदी भी लगाती हैं और फिर कहती हैं कि वो राम मंदिर में नहीं जाएंगी, उन्हें राम मंदिर में आस्था है। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो सनातनी हिंदू है उनके राम जो आ रहे हैं उनकी वो रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन ये राम मंदिर के नाम पर जो पॉलिटिकल वोट बैंक बटोरने की जो नरेंद्र मोदी सरकार जो गुस्ताखी कर रही है वो पॉलिटिकल है, वो राजनीतिक है, वो नहीं जाएंगे। तो भैया तब पॉलिटिक्स कहाँ गया था जब आपके सिख पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन साहब मथुआ पे डलिया रख के जब अली मोला करते हुए चले जाते थे अजमेर शरीफ दरगाह चले जाते थे, तब क्या वो तुष्टिकरण नहीं था? अरे यार उस पर मत बात करो यार, आप बार बार तुष्टिकरण को आखेट करने लग जाते हैं, बार बार तुष्टिकरण पर सवाल खड़े करने लग जाते हैं। नहीं 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 तुष्टिकरण पर बात मत करिए महाराज, तुष्टिकरण पर बात नहीं करना है, आप क्यों तुष्टिकरण पर बात कर रहे हैं? अरे बड़ी बिंदी लगाती हैं तो क्या हुआ, ये पॉलिटिकल क्लास है। अरे हिंदू तो वैसे भी वोट देवे करता है, हिंदू में देख लीजिए ना, कोई राम के नाम पे वोट देता है, कोई कृष्ण के नाम पे वोट देता है, जातीयता में कोई चीज़ है ना, हम वामपंथी तो जातीयता पर ही वोट देते हैं क्योंकि जातीयता तो हमारा चरित्र है। यही कहानी, यही चरित्र की रवानगी की चर्चा हम यहाँ करने वाले हैं। भैया एक सज्जन है, इनके नाम में राम है, नाम है सीताराम येचुरी, ऐसा मैंने पहले ही बताया, और दूसरी है माथे में बड़ी बिंदी वाली, हिंदुओं से बहुत नफरत है बॉस, ये कम्युनिस्टों को हिंदुओं सदा नफरत रहा है। ये कम्युनिस्टों की कहानी का चरित्र ये रहा है कि जब भारत चीन युद्ध से ग्रसित था ये कम्युनिस्ट थे, ये चीन की गोद में बैठे हुए थे, वो चीन का सपोर्ट कर रहे थे। भाई नफरत तो राम मंदिर से ही है, और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे वामपंथी, ये पहले ही कह चुके हैं, और ये शामिल हो ना हो इससे हमें क्या लेना देना, ये आज भी जाएंगे तो हमें उससे क्या फायदा होने वाला है। अयोध्या में बन रही भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होनी है। भारत की वामपंथी पार्टियों ने इस आयोजन का बहिष्कार कर दिया है। CPIM की पुलिस ब्यूरो की सदस्य वृंदा करात ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान तो करती है लेकिन एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक में जोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस धार्मिक अनुष्ठान का राजनीतिकरण बताते हुए इसे गलत करार दिया है। कहा कि नहीं है, राम मंदिर का जो तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार है वो श्रेय ना ले। कुछ तो ऐसे भी लोग बोल रहे हैं क्या इस राम मंदिर को भाजपा ने बनाया है? नहीं, इस देश की आवाम ने बनाया है। बिल्कुल सही बात, इस देश की आवाम अगर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लेकर नहीं आती तो क्या मजाल था कि राम मंदिर का निर्माण हो पाता? बता दें कि भारत के वामपंथी नेता अपने ही देश और इसकी संस्कृति से किस कदर नफरत करते हैं कि हिंदू धर्म को लेकर उनके नफरत और चीन की प्रेम को लेकर उनकी वफादारी तो जग जाहिर रही है। विंद्रा करात आगे कहती हैं कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने के पीछे उनकी जो इरादे हैं, उनकी पार्टी की जो बुनियादी
सोच है। उन्होंने इस कार्यक्रम में राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भारत की सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए इस तरह की बातें करती हैं। जब राम मंदिर में जाने की बात होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देती हैं। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के द्वारा आने के लिए निमंत्रण मिला था प्राण प्रतिष्ठा में, क्या आपकी पार्टी जा रही है इसमें? नहीं, हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है, हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है उसका भी हम कदर करते हैं, लेकिन इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठान आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे, हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक धर्म का धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए, ये वो सही नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। और इसमें पूरे तौर पर एक पॉलिटिसाइजेशन एक धार्मिक अनुष्ठान का, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। भाई संविधान की अगर मूल प्रति भी उठाकर देखी होंगी तो संविधान की एक मूल प्रति में भी श्री राम का फोटो उकेरा हुआ है। मूल प्रति वो नहीं, वो आजादी के बाद वाली नहीं, आजादी के समय की। अगर संविधान की मूल प्रतियां उठाकर देखेंगी तो उसमें भी राम सीता का तस्वीर बना हुआ है, वो कांग्रेस के समय वाली नहीं, आजादी के समय वाली। अगर संविधान की मूल प्रतियां उठाकर देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। वहीं सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के अन्य सदस्य सीताराम येचुरी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संबंध में किसी को कुछ नहीं कहा है। बकौल सीताराम येचुरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा कुछ बीएचपी नेताओं के साथ उनके पास आए थे। सीताराम येचुरी ने कहा था कि उन्होंने उन लोगों को काफी चाय कॉफी का ऑफर दिया था जिसे उन्होंने नकार दिया। सीताराम येचुरी ने कहा कि बात वहाँ खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि धर्म हर व्यक्ति की अपनी पसंदीदा व्यक्तित्व होती है। उन्होंने कहा कि धर्म हर आदमी का पसंद होता है जिसका वो सम्मान करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं, और अपनी आस्था का स्वरूप के चयन का अधिकार है कि हर कोई किस धर्म की आस्था में विश्वास रखता है, कोई किस धर्म का पालन करता है, निर्वाहन करता है। धर्म एक अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है, इसमें किसी का किसी तरह का व्यवधान नहीं हो सकता। कोई क्या सोचता है, कोई क्या खाता है, कोई क्या पीता है, कोई चर्च जाता है, मस्जिद जाता है, कोई मंदिर जाता है, गुरुद्वारा जाता है, उसका पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को किसी का क्या लेना देना। उन्होंने संविधान और सुप्रीम कोर्ट की बातें करते हुए सत्ता और धर्म में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राज द्वारा आयोजित कार्यक्रम बताया जा रहा है और कह रहे हैं कि राम मंदिर का आयोजन तो राज द्वारा किया जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। उन्होंने इससे आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। सीताराम येचुरी ने कहा कि लोगों की धार्मिक आस्थाओं और राजनीतिकरण किया जा रहा है जो संवैधानिक नहीं है। उन्होंने You told me that you are not going to attend the Pran Pratishtha program event of the Ram Lala Pran Temple. I have not told anybody. I have not told anybody anything so far. Yeah. Mr. Nipendra Mishra, escorted by a BHP leader, came and gave me the invitation. I mean, I offered them tea or coffee, which they declined, and that was the end of the matter. So now that is, since you are being asking for a reaction. I said religion is an individual choice of every individual, which we respect. We respect and we safeguard the right of every individual to choose their particular form of faith. Now that is a personal matter. As far as the Indian Constitution and the Supreme Court is concerned, who have very clearly said that the state shall not profess any particular religion or have any religious affiliation. But what is happening in this inauguration ceremony is that it has been converted into a state-sponsored event.
with the Prime Minister, with the UP Chief Minister and others holding constitutional positions. This is something which we think is violative of it. It's straightforward politicization of a religious belief of the people, which we don't think is in consonance with the constitutional order that we have. So therefore, in these circumstances, I regret not being able to attend the function. सीपीआईएम महासचिव सीताराम ने कहा किसी कारण वो अफसोस जताते हैं कि समारोह में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। वामपंथी दल अक्सर हिंदू विरोधी गिरोह का साथ खुल कर खड़े हो जाते हैं और भारतीय महापुरुषों की जगह मार्क्स की नीतियों पर चलते हैं। ये तो चीन की दलाल है, चीन के गोद में बैठकर खेलते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सीपीआईएम हो या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएम जो फलाना फलाना ढिमकाना तरह की बातें होती हैं, इनके अब्बा दद्दा तो चीन में बैठे कोई माऊ चाऊ ताऊ ही हैं जो विदेश में बैठकर इन्हें कंट्रोल करते हैं और इनकी भक्ति और आराधना तो उन्हीं पर ही निर्भर होती है। भारत के आराध्य राम हो, भारत के मंदिर हो, भारत के ट्रस्ट हो, भारत की विचारधारा हो, भारत की आत्मा हो, इनको खंडित करना तो इनका काम है। इन्हीं के पाले हुए सपोले थे, इनके पाले हुए सपोले हुए इतिहासकार थे, वो चरित्रवान थे जिन्होंने कहा भारत तो पिछड़ा था, भारत में तो कुछ था ही नहीं। बाहर से जो विदेशी आक्रांता है, बाहर से जो मुगल आए, के इतिहासकार साहित्यकार आए वो बताते हैं बाहर से जो आक्रांता है उन्होंने भारत को जीना सिखाया, खाना सिखाया, रहने का तरीका सिखाया। अब पुरानी फिल्मों के उठाकर देख लीजिए, पुरानी फिल्मों पर बात कर लीजिए, पुरानी फिल्में जो होती थी अमिताभ बच्चन के जमाने की 70 के दशक की या 60 के दशक की, तो बिरयानी किसने दिया? मुगल आया भारत में तो उन्होंने बिरयानी दिया। और हैरत की बात है कि बिरयानी चावल से बनता है, जिस अरब में चावल का एक दाना नहीं उगता है वो भैया भला भारतवर्ष को बिरयानी बनाना कैसे सिखाएंगे? भाई यही तो बात है, हर एजेंडा का बात है कि आप किसी चीज़ को कैसे भुनाते हैं, कैसे परोसते हैं। और कुछ कहते हैं इस देश में तमाम वर्ग के लोग हैं, तमाम मजहबी लोग हैं, तमाम मजहबी कायदान हैं, तो यहाँ पर सिर्फ राम का प्रचार करना क्यों? अरे यार अब इसका भी सबूत देना पड़ेगा कि राम वाकई में अयोध्या में जन्मे थे, तो क्या राम का कोई डेट ऑफ बर्थ ला के देना पड़ेगा? और यहाँ पर और धर्म वाले आकर जब ईसा मसीह की आराधना करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो कोई बोले भाई भारत से क्रिसमस का क्या लेना देना? नहीं, ये बात करिएगा तो सेकुलरिज्म पर आघात है, सेकुलरिज्म पर हमले हैं, सेकुलरिज्म के चरित्र का यहाँ पर चित्रण होता नजर नहीं आता। ये कहानी है, ये चरित्र है, ये चेहरा है जो यहाँ पर एक्सपोज होता नजर आ जाता है। धान गेहूँ पत्रकार, पेट में लात खाए पत्रकार या फिर कहें वो तुष्टिकरण वाले जर्नलिस्ट हैं, उन्हें ये पीड़ा होती है क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर अपनी पत्रकारिता का और अपने चरित्र का और वो चाल चरित्र और चेहरे का चित्रण करते नजर आते थे, आज वो बेरोजगार हैं। वो तमाम बातें यहाँ पर पुष्ट होती नजर आती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी आप जरूर बताएं। दोस्तों आपसे गुजारिश से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाएं। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं और आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप हमें फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से भी आप हमें सहयोग करके आप हमारी पत्रकारिता को बल दे सकते हैं। तो फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए एपिसोड के साथ, एक नई चर्चा के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं। जय श्री राम।